वैसे तो हमारी धरती पर लाखों प्रजातियां विलुप्त हुए हैं, मगर आज भी इंसान डायनासोर के विलुप्त होने का कारण जानने की बेसब्री से इच्छा रखता है। आखिर इतनी शक्तिशाली प्रजाति हमारी धरती से कैसे गायब हुए? आखिर वह क्या कारण था जिसकी वजह से अपने समय के सफल प्रजाति कहे जाने वाले डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया? हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको डायनासोर के विलुप्त होने का कारण बताएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए आज हम आपको पृथ्वी की सबसे रोचक यात्रा पर ले चलते हैं। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले यानी 6,50,00,000 साल पहले हमारी इस पृथ्वी पर अब तक के सबसे बड़े प्रजाति रहते थे। वे इस धरती की शान थे और वे इस धरती पर चलते थे, दौड़ते थे और हर वे काम करते थे जो आज के सफल प्रजाति करते हैं। मगर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन प्रजातियों का अस्तित्व मिटा दिया? तो इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 6,00,000,000 साल पहले जब हमारी धरती सबसे खूबसूरत हुआ करती थी, हर जगह हरे भरे मैदान और ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे फैले हुए थे, हवा बिल्कुल शीतल और साफ सुथरी हुआ करती थी। इस सुहाने माहौल में हर जगह डायनासोर का राज हुआ करता था और वे बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब डायनासोर की प्रजाति धरती पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब 10,00,000,000 साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। क्योंकि 10,00,000,000 साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20,00,000,000 मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराया और इस टकराव की वजह से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकलकर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद ये डायनासोर बच सकते थे अगर यह एस्ट्रॉइड हमारे धरती के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगा। आपको यह बता दें कि इस एस्ट्रॉइड का व्यास करीबन 40 किलोमीटर था और इसका वजन 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन था और यह प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब आता जा रहा था। और जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही यह एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और यह इतने रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। और इसकी चमक इतनी थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस चमक को देखकर अंधे हो चुके थे। और कुछ ही देर में यह चमकता आग का भयानक गोला मैक्सिको की घाटी से टकरा जाता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयानक विस्फोट होता है। आपको यह बता दें कि यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था और यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इस टकराव के होते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष तक चले गए। और ठीक 16 मिनट 45 सेकंड के बाद इस टकराव की वजह से पूरी धरती पर 11.4 की तीव्रता से भूकंप उठने लगी, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी सुनामी उठने लगी और इसी भूकंप की वजह से धरती की सारी वॉल्केनो एक्टिवेट हो गई। और इस धहकते ज्वालामुखी ने पृथ्वी पर डायनासोर के विनाश की प्रक्रिया आरंभ कर दिया। माना जाता है कि इस वक्त तक भी डायनासोर की कुछ प्रजातियां पृथ्वी पर बच सकती थी, मगर नियति ने इन्हें मारने का पूरा विचार बना लिया था। क्योंकि जब यह विस्फोट हुआ तो धरती पर भयानक रेडिएशन फैलने लगा और जब यह डायनासोर इस रेडिएशन के संपर्क में आए, तो पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। मगर इन डायनासोर में कुछ ऐसे प्रजातियां भी थीं जो हवा में उड़ सकते थे और ये उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरे से तो बच निकले, मगर यह तो विनाश की एक छोटी सी शुरुआत मात्र थी। धरती पर विस्फोट की वजह से जो धातु अंतरिक्ष में गया था, वह हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव की वजह से धरती पर आग के गोले के रूप में जगह जगह बरसने लगे, जिसकी वजह से बेचारे ये उड़ने वाले डायनासोर भी खत्म हो गए और साथ ही साथ पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे की प्रजातियां थीं वह भी विलुप्त हो गए। और इस तरीके से हमारी धरती पर रह रहे सबसे सफल प्रजाति का अंत हो गया। मगर इस प्रलय ने एक नए छोटे प्रजाति के लिए उम्मीद जगा दिया था
और ये छोटे प्रजाति थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था और धरती पर फैली गर्मी और रेडिएशन से बचने के लिए ये जमीन के नीचे जाकर छिप गए और खुद को जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। और आगे चलकर यही मैमल्स आज के होमो सेपियंस यानी आज के इंसान के रूप में तब्दील हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।